हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम टू द व्लॉग। इट्स अ ब्रांड न्यू डे, ब्रांड न्यू व्लॉग। रात को सोते थे बहुत ज्यादा लेट हो गए। लेट हम इसलिए हो गए क्योंकि अफान है। अफान के आने की खुशी में आज जो नाश्ता बन रहा है वो बन रहा है हमारा प्रॉपर अफगानी एग। मुझे एग निकालने में ट्रबल हो रही थी, मेरे से वो टूट जाना था, तो अब अफान जो है टेस्ट कर रहा है। अब देखते ओए होए 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 होए, मतलब लगता है कि एक्सपीरियंस जो है वो फुल ऑन है। क्या चक्कर है इसके पीछे? राज क्या है इसका फन? 12 साल बैचलर लाइफ। चाय नहीं पीता यार, चाय कैसे नहीं पीता? कोई पाकिस्तानी होकर चाय नहीं पीते? मैं क्या कह सकता हूँ यार, चाय तो फिर मतलब चाय के बगैर क्या जिंदगी। अब चाय के ऑल्टरनेट में कोकोनट वाटर पी रहा है। अब क्या कह सकते हैं, मेहमान है चाय। लेकिन जो नहीं पहुंचा था, जिस दोस्त ने गोली कराई थी, अब आपको पता है कि किस दोस्त ने गोली कराई थी। तो वो जो फूड हमने खाई थी उस दिन, आज भी कुछ वैसे ही खाने का प्लान है। कुछ एक दो और प्लान है वो सारे करने हैं आज, और टाइम कम है क्योंकि एक ही दिन के लिए आया है, छोटी गोली कराई है। अब नेक्स्ट टाइम जब आएगा थोड़े ज़्यादा दिनों के लिए आएगा, पर आज के दिन में हमारे काम बहुत ज़्यादा है और टाइम हमारे पास कम है। तो नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं। हे भैया, हम बाहर जा रहे हैं। और नहीं, आप नहीं जा रही, बोलो डायलॉग। डायलॉग बीरा को बेसिकली मैं प्रिपेयर कर रहा था कि बोलो मुझे भी जाना है, क्योंकि बोल रही थी वो पहले मुझे भी जाना है, और जब कैमरा ऑन किया तो मैंने कहा बोलो अपना डायलॉग। तो कहती है डायलॉग, ये हम खैबर ग्रिल आए थे कढ़ाई ही लेने, क्योंकि आज साइम का इंसिस्ट थी कि हम चिरसी कढ़ाई और बहुत सारी चपली कबाब और बहुत सारी डिशें खाएँ। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो साइम की तबीयत ख़राब हो गई है, और मुझे पता नहीं कि रास्ते में ड्राइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं यार, ड्राइव तो कर पाऊंगा, तबीयत आई डोंट नो, कभी ऐसा हुआ नहीं है, बट ऑल द सडन एकदम से ये हाथ ऐसे कांपने लग गए, और अकॉर्डिंग टू अफान मेरी शुगर लो हो गई है, तो थोड़ी सी शुगर तो खाई है। अभी लेट्स सी थोड़ी देर में क्या होता है, और आपसे हम घर जाके मिलते हैं। शुगर लेवल मेरा पता नहीं क्यों, किस वजह से शुगर लेवल बहुत ज़्यादा लो हो गया था। ये तुमने क्या किया हुआ? ये तुमने क्या किया? गाड़ी बनाई है। ठहर जाओ तुम मेरा। तो ऐसा वो सही कि मेरा शुगर लेवल जो है वो फॉर सम रीज़न बहुत लो हो गया था। अब इसका मतलब ये नहीं कि मुझे शुगर हो गई है, इसका मतलब ये टेक्निकली अफान से पूछते हैं क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है? एक्सरसाइज नहीं करते हैं, नींद पूरी नहीं करते हैं, पानी पूरा नहीं करते हैं, डाइट पूरी नहीं करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा आपका कॉम्प्लेक्स हो गया है, खाते सो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी जो आपके जिस्म की ज़रूरियात हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। आपके जो ब्लड ट्रांसपोर्ट, फूड ट्रांसपोर्ट है जिस्म के अंदर, वो पूरी नहीं होती है, तो आपके जिस्म में थकावट और सर दर्द वगैरह शुरू हो जाती है। ग्लूकोज की ज़्यादातर जो सर दर्द की ज़्यादातर वजह है ग्लूकोज का ना पहुंचना, हाथों में ट्रिम्बलिंग फील करना, टांगें ज़्यादा सॉलिड फील, टांगों में से जान नहीं है, ये चीज़ें फील करना, इनमें से कुछ सिम्टम्स हैं जिस जो आपको ये जाहिर करते हैं कि आप में ग्लूकोज की कमी हो चुकी है, जिसके लिए आपको फ़ौरन जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं वो लेने चाहिए, जैसे केला, शहद, चीनी, शक्कर, और इट विल मेक यू अ बिट बेटर, और नींद। इट्स क्वाइट गुड बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो कि अगर आप देख रहे हो तो अब आपको पता है, अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो यू नो व्हाट टू डू, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था। आई थॉट कि सब कुछ फिट चल रहा है, और आई थिंक ये काइंड ऑफ एक वो अलार्म है। अब मुझे अपनी सेहत की तरफ ज़्यादा, हेल्थ की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, और जो लॉन्ग अवेटेड वो जो जर्नी थी जिसको स्टार्ट करने का सोच रहे थे, जो कि स्टार्ट किया भी था एंड देन ब्रेक्स आ गई एंड वॉट नॉट, तो उसको विदाउट एनी एक्सक्यूज अब स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उस दिन के बाद मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा नैप लिया, और उसके बाद काफ़ी फ्रेश फील कर रहा हूँ। अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, और हमने वो खाना भी खा लिया। मैं लंदन आया तो उन्होंने मुझे, मैंने लोगों से कहा कि मैंने फिश एंड चिप्स खानी है क्योंकि लंदन की ट्रेडिशनल डिश है। इन्होंने कहा कि तो ट्रेडिशन बदल चुका है यहाँ पे, यहाँ पे अब चर्सी कढ़ाई मशहूर है, लंदन की फेमस डिश। और आज मुझे ये लिखे कि लंदन की फेमस जगह की फेमस चर्सी कढ़ाई खिलाने, इट वॉज द वर्स्ट टेस्ट। नहीं यार, इतनी भी बुरी नहीं थी, यहाँ पे रह रहे थे ना, हमारे टेस्ट बड जो होते हैं वो ब्लैंड हो जाते हैं। मैं लाहौर से आया हूँ और अब मैं इनको बताऊंगा कि चिरसी कढ़ाई होती क्या है। इसके लिए आपको नेक्स्ट वीक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अभी घर, तो नेक्स्ट वीक में आऊँगा, आई विल कुक ओवर देयर एंड आई विल शो। अब अगले वीक आता है या अगले वीक गोली कराता है?
कोई गोली शोली नहीं करवाएंगे हम इनको। अभी कैमरे में बोल दिया गोली नहीं करवाएगा, अगर गोली कराई तो कमेंट तो आपको पता है क्या करने है। फिर अराउंड 45 मिनट्स की ट्रैफिक में फंसने के बाद हम लोग घर पहुंच चुके हैं। आई डोंट नो इस टाइम कैसे ट्रैफिक आ गई, अभी लॉकडाउन थोड़े दिन पहले ही खुला है एंड ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है बाहर जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था। बट एनी वे तबीयत जो है अगेन थोड़ी सी डाउन हो रही है, बट आई थिंक थोड़ा सा रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। और अभी सब सो रहे हैं तो इसलिए मुझे थोड़ा आहिस्ता बोलना पड़ रहा है। तो क्या करते हैं कि आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अब बिया तो सोई हुई है तो ये ब्लॉग मुझे अकेले एंड करना पड़ेगा। बट अगर ये वीडियो यहाँ तक देखी और किसी भी तरह से पसंद आई है तो गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। और जो भी राय है आपकी आज सारे इंसिडेंट के बारे में और वो ग्लूकोज लेवल लो होने के बारे में, तो अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो डू कमेंट डाउन बिलो। तो एनीवे एज ऑलवेज तब तक के लिए, जब तक के लिए, अगले व्लॉग तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं। व्लॉग तो एंड हो गया पर अभी मैंने ये लास्ट वाला क्लिप देखा और मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी स्वेलिंग सी फील हो रही है। अब आई होप कि मुझे कोई एलर्जिक रिएक्शन ना हो रहा हो, बट एनीवे कल वाले व्लॉग में पता चल जाएगा।